सब जानती है। अरे सोना बहू जल्दी करो, और जो हमने पोहे कहे थे बनाए कि नहीं बनाए? ये लीजिए मम्मी जी, यहाँ बैठ के खा लीजिए। हाँ हाँ चलो। भाई जल्दी करो, सामान लेने जाना है। चलो कैसे बने हैं मम्मी जी? ठीक है, पोहे तो सविता ताई बनाती है। वाह क्या पोहा बनाती है। आप सिर्फ सविता ताई की ही तारीफ क्यों कर रहे हैं? अर्चना भी तो बहुत अच्छे पोहे बनाती है। अर्चना चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, सविता ताई को कभी खुशी ही नहीं होती। देखो सोना बहू, खुशी और नाराजगी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सविता ताई चाहे कुछ भी कहे, सविता ताई और अर्चना के बीच एक अनोखा सा रिश्ता है। तभी तो अर्चना की इच्छा पूरी करने के लिए सविता ताई जोरदार जलसा मना रही है चाल में। कैसा जलसा? अरे अभी कैसे बता दें? उसके लिए तुम्हें 16 मार्च रात 8 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। ओहो नीलम बहू, अभी तक मंदिर की सफाई पूरी नहीं हुई। मम्मी जी मंदिर की साफ सफाई तो हो गई है, आप बाहर जा रही थी तो। हमारे बाजार जाने से तुम्हारे मंदिर की सफाई का क्या लेना देना? अरे नहीं मम्मी जी, नीलम दीदी कल की महाशिवरात्रि पूजा के लिए सामग्री की लिस्ट तैयार कर रही थी। जी मम्मी जी ये देखिए, हमने पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर दी है, सब चीजें लिख दी है इसमें। अरे ठीक से बनाई है ना लिस्ट, कोई सामान छूटा तो नहीं? मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने इस लिस्ट को पिछले साल की लिस्ट से मिलाकर देख लिया है, सब चीजें लिख दी है हमने। देखो हम चाहते हैं कि शिवरात्रि की पूजा बहुत धूमधाम से हो, क्योंकि अगर शिव जी की कृपा दृष्टि परिवार पर बनी रहती है ना तो कल्याण ही कल्याण होता है। शिव जी की नजर जरा सी टेढ़ी हुई ना विनाश तय है। अरे नहीं मम्मी जी, पूजा में कोई कमी नहीं आएगी। चलिए मम्मी जी लगे हाथ सामान भी लेकर आते हैं। चलो बाय। ये देखो ये है इनकी छोटी बहू यानी कि नई नवेली दुल्हन, इसके हाथों की मेहंदी तो अभी उतरी नहीं है और असली तेवर बाहर निकलने शुरू हो गया। आगे आगे देखो होता है क्या। अरे सुनैना जी तो हद से ज्यादा मॉडर्न हो रही है। अरे सुनैना जी को तो अपनी ही धुनकी में रहने दो, जब आँख खुलेगी तभी समझ में आएगा कि कैसे अपनी बहू को अपने कब्जे में रखना जरूरी है। फिलहाल तो गाड़ी में सैर करने के मजे लूटने दो। अभी नीलम भाभी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बे, और हाँ मम्मी जी के आने के पहले सब कमरे की साफ सफाई भी देख दाख लेना, सब कुछ एकदम टनाटन रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐन मखत पे कुछ ना कुछ उलट पुलट हो जाए। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ये काम खत्म करके सब कमरों की चादर बदल देते हैं और बाकी जितना काम है वो भी ठीक से कर देंगे। लेकिन मम्मी जी के आने के पहले। उत्तम भैया हम ना सब समझते कि आपका मुंह काहे लटका हुआ है और आपके दिमाग में का विस्फोट हो रहा है। आपकी जगह कोई और भी होता तो उसका भी यही हाल होता, ना जाने मम्मी जी के दिमाग में का घुसी गया रहा कि वो बात को समझी ही नहीं। अगर थोड़ा भी स्टैंडर्ड का ख्याल रखा होता ना तो ये नौबत तो नहीं आती। फौज के अफसर के लिए तो कोई पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की लानी चाहिए थी ब्याह के, जो कि
सभा सोसाइटी का सामना बिना हिचकिचाए कर सके, ना कि अनपढ़ गवार नीलम भाभी की तरह। अबे नीलम भाभी, खिया की सफाई हो जाए ना तो बाकी के कमरे भी जरा देख लेना, आज सब बहुत जरूरी है भाई। हाँ हाँ, सुनिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर 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 मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि मेरी जिंदगी में कैसी जंग छिड़ने वाली है, तो मैं ये शादी कभी नहीं करता। नीलम, अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला ना, तो तुम समझ जाना कि इसकी वजह तुम हो। हम क्या करें कि हम पे भरोसा कर सके? अगर ये चाहते तो हम भी रेनु दीदी या सोना की तरह पढ़ लिख जाते, लेकिन इन्हें तो हमसे चिड़सी हो गई है। पता नहीं भगवान कब ये दिन बदलेंगे। अबे नीलम भाभी, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, बहुत काम पड़ा हुआ है। हमें कमाल करती हो नीलम भाभी, यहाँ देखो कितनी धूल पड़ी हुई है। जी दीदी। वैसे नीलम भाभी, तुम्हारे मुंह से चाहे सोना के मुंह से एक भी बार ये नहीं निकला कि घर की बेटी कहाँ जाएगी, मारी मारी फिरेगी। हाँ, सोना की तरफदारी करने के लिए तो टन्न से बोल पड़ती हो कि ऊख के साथ जुलूम हो रहा है, लेकिन हिया हम दोनों प्राणी बेइज्जत होके बाहर का गए, तुमने सांस तक नहीं ली। हाँ, बनी मन तो लड्डू बंटवा रही होगी ना नीलम भाभी, लेकिन एक बात समझ लियो, हम भी सीता माता के जमाने की नारी ना है जो सहते जाए सहते जाए। जो हमरा थोबड़ा बिगाड़ने की कोशिश करेगा ना, हम उसका कचूमर बना देंगे। पर दीदी, आप हम पे क्यों नाराज हो रही हैं? हमने तो हमेशा से हमेशा तुमने मौका ढूंढा है कि कब दर्शना के ग्रह बिगड़े और तुम उसका फुटबॉल बना के खेल डालो। नहीं दीदी, आप हमेशा देखो ज्यादा चिकनी ना बनो, माथा तो गरम हो रहा है हमरा, और हिया देखो धूल बिछी पड़ी है। अरे एक काम कायदे से नहीं होता है तो रहने दो ना, कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती हूँ। सॉरी दीदी, अभी पोछा लगा देते हैं, दाग भी साफ हो जाएगा। कौन प्लान बना रही होगी तुम और सोना मिलके? अब किन्ना ना दाग गई, छाती पे मूंग डाल ले। यहाँ अगर चौड़े होके रहना है तो एक आ पतली गली भेजने का इंतजाम करो। लेकिन सुन लो, ई बार हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमरी मम्मी जी के घर में तुम बहु लोग बाहर से आकर ज्यादा 30 बार खाना बनो। यहाँ शादी से पहले भी दर्शना की चली थी और आगे भी चलेगी, तो जो हम बोल रहे हैं वो चुप चाप करती जाओ। और उधर देखो जरा, हाँ वो कोने की धूल निकलती नहीं है, निकालनी पड़ती है। ये देखिए दीदी, हो गया। अब रेंग रेंग के काम कर बो तो समझ लियो 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात हो जाएगी। अबे थोड़ा जल्दी करो, दूसरे कमरे भी बाकी है, वहां का तुम्हारे मायके वाले आके सफाई करेंगे। हाँ स्पीड बढ़ा, टाइम नहीं ना, यही साझ कर दोगी का? हाँ दीदी। चतुर्वेदी फैमिली। छी 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 छी, क्या हो गया? हमें उद्धम भैया, ये भाजी तो ऐसी लग रही है जैसे जलता कोयला, ही खराब स्वाद है में। एका जो खाबो वो तो अच्छे स्वाद को भूल ही जाबो, जेका एक खिला दी ना
वो तो फटने से बीमार पड़ जाए, पड़ी जाए बेड पे, और फिर कोनो चांस नहीं है बचने का। लेकिन ये तो वही खाना है ना जो आज रात पार्टी में। एकदम सही समझे आप उद्धम भैया, ये खाना तुम्हारे कर्नल साहब के लिए पकाया गया था, और नीलम भाभी एक जलते चूल्हे पे छोड़ के निकल गई इधर उधर टहलने। भाजी तो एकदम जली गई है, मैं पेंदी पे ऐसी चिपकी है जैसे जन्म जन्म का नाता हो। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, नीलम की वजह से कर्नल साहब को यहाँ पर बुला के मैं बेइज्जत नहीं हो सकता। कौन है भाई? कर्नल साहब का फोन है। मना करती हूँ, मना करती हूँ। हेलो जी सर, अरे नीलम बहू, नीलम आके सामान ले जाओ। जी। अरे किसी तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, डिनर का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, कर्नल दुबे अब नहीं आने वाले। अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहे? अरे हमने इतनी खरीदारी की, इतनी भागदौड़ की, और तुम कह रहे हो कि नहीं आ रहे? पता नहीं इस घर का कैसा समय चल रहा है, कितना भी अच्छा अच्छा सोचो लेकिन मजाल है कि एक काम भी अच्छा हो जाए। अब इस घर में गुड गुड होना तो दूर की बात है, सिर्फ बैड बैड ही होगा, बात बात पर प्रॉब्लम फॉलिंग ऑन द हेड, जीते जी भी ऐसा लग रहा है कि एवरीबॉडी इज डेड। पहले हम कितना खुश रहते थे, कोई भी पर्व, कोई भी व्रत हो, कोई भी त्योहार हो, सब मिलकर सेलिब्रेट करते थे। बट आफ्टर कन्हैयाज वेडिंग ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस का बर्ड इज फ्लाइड फ्रॉम द हाउस। अच्छा हुआ कि नहीं आए, अगर कर्नल दुबे की वाइफ यहाँ पर आती तो आप लोगों को पता चलता कि उठना बैठना किसे कहते हैं, चलना फिरना किसे कहते हैं, बात कैसे की जाती है, अपनी ड्रेस को कैरी कैसे किया जाता है। अरे उनकी हर बात में एक स्टाइल है, ब्यूटी और इंटेलिजेंस का एक कॉम्बिनेशन है, उनकी हर बात में क्लास छलकती है। और एक हमारी वाइफ है चूल्हा चौखा करने वाली। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी ढंग का नहीं होने वाला लाइफ में, खुशियां तो जैसे परमानेंटली डिसमिस हो गई हैं लाइफ से, सब कुछ खत्म। अभी उद्धम भैया अब तुम का कर गो? हम तो कहते ही हैं कि उद्धम भैया की शादी गलत समय पे, गलत जगह पे, गलत इंसान से कर दी गई है। अब उद्धम भैया इतनी बड़ी पोस्ट पे, पढ़े लिखे फाए फाए अंग्रेजी बोलने वाले स्मार्ट, इनके लिए तो कोई ऐसी लड़की लानी चाहिए जो इनके साथ समाज में खड़ी हो सके। अब क्या फायदा दर्शना, जो होना था वो तो हो चुका, पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। ऐसे हिम्मत नहीं छोड़ते दीदी, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, परिस्थितियां बदलती हैं और उसके साथ लोग भी बदलते हैं।
रोइए मत, ये छोड़िए और कल की तैयारी करिए। कल शिवरात्रि है, हमें पूरी श्रद्धा के साथ कल का पर्व मनाना चाहिए। सब शिव जी पर छोड़ दीजिए, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। पिछली शिवरात्रि हम दादी माँ के साथ नैनी के मनकेश्वर मंदिर गए थे, हमें क्या पता था? शादी के बाद ससुराल में तुम्हारी पहली शिवरात्रि है। अच्छा बताओ, म्योर रोड के शिव जी से क्या मांगोगी? हम बताएं? उनसे मांगना कि तुम्हारा और कन्हैया का जन्म जन्म का साथ रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें उनके जैसे पति मिले। खुशकिस्मत तो तुम हो, हमारा कन्हैया है ही ऐसा। चलो जल्दी से पंचामृत बनाकर हॉल में चलते हैं, सब तैयार हो के हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चल। अरे नीलम रेनु रुको, हाँ दर्शना तुम भी अपने, हाँ धतूरा है, बेलपत्र है, दूध है, सब है ना? जी मम्मी जी। जाओ बच्चों, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की अच्छे से पूजा करना ताकि उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। हाँ जाओ। जी मम्मी। बोलो भोलेनाथ की जय। संभाली दी शिव जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा।
थैंक यू सो मच सर, ये बहुत बड़ी न्यूज है मेरे लिए सर। जी सर, थैंक यू सर। हाउसवाइफ है सब जानती है।